हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ हेयर ड्रेसिंग कोर्स का थ्योरी। और हेयर ड्रेसिंग कोर्स आप लोग अगर कर रहे हो तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि ट्राइकोलॉजी के बारे में। तो आज का जो सब्जेक्ट है तो और टॉपिक है वो है ट्राइकोलॉजी। सो फ्रेंड, आप लोग ज़्यादातर जो हेयर ड्रेसिंग कोर्स या फिर ब्यूटिशियंस कोर्स कर रहे हो तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि हेयर के बारे में। अगर आप लोगों को हेयर कोर्स बहुत अच्छे से करना है तो आप लोगों को डिटेल्स में जानना ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को इसलिए हेयर ड्रेसिंग कोर्स का जो है फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और पूरा डिटेल्स में दे रही हूँ। आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि हेयर ड्रेसिंग कोर्स क्या है और हेयर स्पेशली, क्योंकि आप लोग हेयर ड्रेसिंग कोर्स कर रहे हो तो आप लोगों को हेयर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आप लोगों को डिटेल्स में, जैसे ब्यूटिशियंस को स्किन के बारे में जानना ज़रूरी है, वैसे ही हेयर ड्रेसिंग कोर्स जो कर रहे हो उनके लिए हेयर के बारे में जानना ज़रूरी है। आप लोगों को लिखना है, कोई भी दिक्कत होने से आप लोग कमेंट करना। अगर कोई भी आप लोगों को स्पेलिंग या फिर कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लेना एक बार, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और डिटेल्स में आप लोग सीखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट जो है ट्राइकोलॉजी, TRICHOLOGY। तो ट्राइकोलॉजी, व्हाट इज़ ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी क्या है? तो ट्राइकोलॉजी, ट्राइको का मतलब होता है बाल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब क्या होता है? ट्राइकोलॉजी का मतलब है बालों का ऊपर जो स्टडी होता है वही है ट्राइकोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ हेयर। सो ट्राइको मीन्स हेयर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो ट्राइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हेयर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? हम लोग जो जो हेयर ड्रेसिंग कोर्स पे सीखेंगे सभी चीज़ जो है स्टडी ऑफ हेयर है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हेयर के ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ह्यूमन फैक्ट। ह्यूमन फैक्ट्स क्या है? ह्यूमन फैक्ट्स है नंबर वन, मानव बालों से पूरी तरह ढके हुए हैं हाथ तलवे और होठों के अलावा। ये जो इंसान है, हम लोग ह्यूमन बोलते हैं, इंसान है हम लोग, तो हम लोग क्या है, पूरा हेयर जो है कवर है, सिर्फ हाथ तलवे और होठों के अलावा, जो लिप्स एरिया है उसके अलावा। नंबर टू है, हर एक व्यक्ति के माथे पर लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक फॉलिकल होता है। नंबर थ्री है, बच्चे के सिर पर 1100 फॉलिकल पर सेंटीमीटर होता है। नंबर फोर, 30 से 35 एज की आयु तक ये 250 से 300 फॉलिकल कम हो जाता है। नंबर फाइव, 25 वर्ष की आयु तक 600 फॉलिकल तक कम हो जाते हैं। नंबर सिक्स, बालों की विशेषता हमारे पिता माता से विरासत में मिली है। आप लोगों को ह्यूमन फैक्ट्स जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग एक बार अच्छे से लिख लो, पूरा मैं फिर से दिखा रही हूँ, देख लो और ठीक से लिखो ताकि कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप लोग कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो या फिर फाइल्स बना रहे हो या फिर कहीं पे आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हेयर स्ट्रक्चर। हेयर स्ट्रक्चर क्या क्या है? हेयर केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। हेयर जो है वो केराटिन नामक जो प्रोटीन है उससे बने होते हैं। केराटिन नाखून जैसे नेल्स और स्किन के कुछ हिस्से में भी पाया जाता है। केराटिन जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर से बना है। तो जो है आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हो CONHS, कार्बन। देखिए कार्बन कितना परसेंट रहता है, 51%, ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 17%, हाइड्रोजन 6% एंड सल्फर 5%। नेक्स्ट जो है कार्बन बालों को काला बनाता है। ठीक है, हम लोग इंडियन हेयर, एशियन हेयर जो है कार्बन ज़्यादा रहता है क्योंकि हम लोग का हेयर है काला। ऑक्सीजन बालों को हल्का बनाता है। देखिए जो यूरोपियन कंट्री है उसमें जो हेयर है थोड़ा सा क्या होता है, हल्का कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन का जो है सा ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ फॉलिकल। तो फॉलिकल क्या है? इसके जेब जैसे संरचना जो बालों की जड़ को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो ये है व्हाट इज़ फॉलिकल। ठीक है, तो पूरा ये हो गया ट्राइकोलॉजी का कुछ हिस्सा। इसके बाद भी पार्ट पार्ट आएगा, तो इसके बाद भी पार्ट पार्ट मैंने नोट्स तैयार किया हुआ है तो आप लोगों को देते रहूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि केराटिन में ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है, मतलब कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है। पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव इस तरीके से आते रहेगा ट्राइकोलॉजी के ऊपर। और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को जो टॉपिक में आप लोगों को दूंगी वो है लेयर्स, हेयर का लेयर्स के बारे में, और हेयर लेयर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसके बाद जो है आप लोगों को देख लेना और ये आप अच्छे से लिख लो। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्पफुल हुआ तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले, और ऐसे प्यार देते रहिए। तो थैंक यू सो मच।